पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें, तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो कोई भी पाकिस्तानी की हैसियत नहीं होगी कि आपसे आंखें मिला सके, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा वीरो किया हाल है, ठीक हो? नहीं। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, वेले नकम्मे चूतिया, लेकिन इन टट्टी खोर अनभक्तों का अलग ही लेवल होता है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस टट्टी खोर की जिसको घर में दूसरी दफा कोई सालन नहीं देता, लेकिन सोशल मीडिया पे वो ना फिरता है। जिस मुठ को गटर में बहा देना चाहिए था वो आज सोशल मीडिया पर लेक्चर दे रहा है। कुछ भी। अब जरा इसके लेक्चर पे भी नजर मार लेते हैं। बुढ़ापा में वसा घट जाने की वजह से, वसा खत्म होने की वजह से चेहरे पे क्या पड़ जाती है? झुर्री। किसी 5 साल बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी बता देगा कि बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ती हैं। इसके लेक्चर लेने से अच्छा बंदा जाके कहीं डाले। इस टट्टी खोर से जब इसका नाम पूछा गया तो उसका जवाब था, खान मेरा नाम नहीं है, हमने यही बोला। पूरा नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। और बताएगा भी कैसे जब इसको खुद अपने अब्बे का नहीं पता। असल में इसकी गलती नहीं है, इसकी अम्मा को भी इसके अब्बे का नाम नहीं पता, बस उसने इसको यही बताया कि कोई खान आया, फिर 9 महीने बाद तुम आए। यही वजह है इसने अपना नाम खान रख लिया। 4 लाख महिलाओं का बलात्कार कर लिया। हाँ बेटा हाँ, अब समझ आया, तो इन्हीं में से किसी पाकिस्तानी की नाजायज औलाद है, तब भी तू पाकिस्तान के खिलाफ इतना करता है। पूरे तरह इतना वायरल करिए कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि भैया उनकी औकात क्या चीज है। अबे साले, तुम्हारी आर्मी की क्या औकात है, उनका खाना तो पूरा कर नहीं पाते, और तुम्हारे फौजी बेचारे सोशल मीडिया पर बुंड घिसाते रोते फिरते हैं। इन बेचारों के खाने में एक तो दाल होती है और दाल में इतना पानी कि बंदा आराम से 2 घंटे नहा ले। मुझे लगता है ये नाम के साथ साथ अपना सेक्स जनरल भी भूल चुका है। लेक्चर देने से चाहिए किसी के बाबा की परी बनकर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग ले तो उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाए। मुझे नहीं पता इसने पाकिस्तानियों को कौन सी बाजी दी हुई है जो पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलता रहता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गूगल से निकाली, 4 बातें अपने पास से लगाई और शुरू हो गया लेक्चर देने। इस तरह से मारा पूरा पाकिस्तान के, कराची बंदरगाह उड़ गया, तो पाकिस्तान का तो इधर से तो पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया। नहीं, इससे पूछे 1971 में इसके कौन से अब्बू ने कलर कैमरा इजाद किया था। मतलब कोई भी पिक्चर गूगल से उठाई और ढुई मराना शुरू हो गए। माना ये तुम्हारा खानदानी काम है लेकिन हर जगह अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों के पास कोई काम करने के लिए तो होता नहीं, बस मुस्लिम के खिलाफ बक बक के अनभक्तों को खा दिखा के फेमस हो जाते। एक चैनल पे ये फैसल खान होने का हिंट देता है तो दूसरी तरफ भगवान के आगे प्रार्थना करता है, आज हमको ये लोग ने हिंदू मुसलमान बना दिया, आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं। और साथ मुस्लिम के खिलाफ भी बोलता है, जिससे साबित होता है कि ये एक अनभक्त टट्टी खोर है ना कि मुस्लिम। तो ये भी कहेंगे कि अजमल कसाब आतंकवादी था, IC-81 विमान हाईजेक कराया गया था। पूरे तरह इतना वायरल करिए कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि भैया उनकी औकात क्या चीज है। वैसे मेरे चैनल का कंटेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो का था, लेकिन इस टट्टी खोर को इसकी औकात याद दिलाने के लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। मुझे इस वीडियो पर लाइक कमेंट्स नहीं चाहिए, बस ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ये वीडियो इस सर तक पहुंच जाए, क्या पता ये अपनी परवाना बंद कर दे। जूते सर पे तेरे, मुंह पे कश्ती तेरी, डूबे अकड़ तेरी, टूटे दखल देते क्यों ये।